हेलो दोस्तों, हरे कृष्णा। तो कैसे हो आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। भाई आज थोड़ा सा व्लॉग में लेट स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि आज मेरे को जाना है कीर्तन में। तो भाई मेरे दोस्त ने रखा हुआ है कीर्तन, उसकी भी सिस्टर की मैरिज है तो उसने भी एक जगह कीर्तन रखा हुआ है। वहाँ पे मैं कभी नहीं गया हूँ। लास्ट टाइम भी एक कीर्तन था तब मैं बाहर था, तो मैं गया नहीं। तो आज देख के आते हैं, चलो चलते हैं कीर्तन में। आप भी बने रहना मेरे साथ। आज थोड़ा सा व्लॉग लेट स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि यार अब पता ही है, अब मुझे पता है उठाई मैं बहुत लेट, बाकी दिन के सारे काम कर लिए। मैंने कहा चलो कीर्तन का टाइम ब्लॉग स्टार्ट करते हैं, तो अभी कीर्तन का टाइम आ गया है तो चलो चलते हैं कीर्तन में। और जब भी मैं सोचता हूँ ना यार कि मैं आज डाइट स्टार्ट करता हूँ, अब डाइट स्टार्ट करता हूँ, कोई ना कोई प्रोग्राम आ जाते हैं। और कल भाई की सिस्टर की शादी है तो अब वहाँ पर भाई डाइट तो अब होगा नहीं, अब एक दो दिन के बाद ही, बट मैं अपनी तरफ से कंट्रोल कर रहा हूँ पूरा। चलो बने रहना, निकलते हैं। पहले तेल फुल करवाता हूँ यार, इसका तेल नहीं है गाड़ी में बिल्कुल भी, चली भी बहुत है ना गाड़ी अभी। पहले चलते हैं पेट्रोल पंप। हो गया बस 32 हो गया भैया, ठीक है धन्यवाद। हाँ भाई, भाई तेल वगैरह डलवा लिया हमने, मतलब मैंने तेल वगैरह डलवा लिया, अब निकल रहे हैं भाई यहाँ से। एक ना जगह पता करनी है यार, पहले वहाँ पे चलता हूँ कीर्तन से पहले। एक चीज़ मेरे को कन्फर्म करनी थी, वो भी कन्फर्म हो गई है, वो भी मैं जल्दी ही बताऊँगा आपको मैं क्या कन्फर्म करने के लिए आया था। तो चलो भाई अब चलते हैं मित्र के कीर्तन के लिए। भाई पहुंच गया हूं मैं, मेरे को लग रहा है यहाँ भी मैं बहुत लेट हूँ, अभी अंदर लेक्चर चल रहा था मेरे ख्याल से। चलो भाई मेरे को टाइम लगेगा, मेरे को बहुत ज़्यादा वो लग रहा है, कुछ ज़्यादा टाइम लगेगा। मैं निकल गया था कीर्तन से, कीर्तन में भी ज़्यादा भक्त आए नहीं थे, कुछ ही डिवोटीज थे, तो मैं निकल गया क्योंकि मेरे को एक दो फंक्शन में और जाना था, एक फंक्शन में जाना था, तो वहाँ पर भी जाके फटाफट अब निकल ही रहा हूँ मैं। विजय मामू का भी कॉल आया, भी हो सकता है पहले मामू के पास जाऊं उसके बाद घर जाऊं मैं, टाइम ज़्यादा हो गया, देखता हूं पहले मामू को कॉल करके अगर उठाते हैं तो चलता हूं उनके पास। चल भाई चल भाई। मामू को फ़ोन किया था मैंने, मामू कह रहे कि अभी मैं रेस्ट कर रहा हूं। तो मशीन खुल गई। खुल गई मशीन सारी? अच्छा फिर तो यार कुछ और क्या पिलाओगे? वो सब में पिला दें यार, रात को मौसमी मिक्स कर देता हूँ। मिक्स कर दो, चलो वो भी खुल गई होगी, आप उससे पिलवाओगे? हाँ, चलो पिलवा दो, एक छोटा पिलवा दो, चल बड़ा पिला दो कोई बात नहीं, मेरा बड़ा पिला दो एक, बढ़िया। भाई मैं आया था, उन्होंने टाइम ज़्यादा हो गया ना तो मशीन भाई ने खोल दी, जगन्नाथ भैया ने। मैंने कहा चलो आप दूसरे से बनवा दो, आया तो मैं गाजर का भी नहीं था, मैंने कहा चलो मिक्स करवा दो कोई बात नहीं, अब खुलवा ही दिया मशीन तो कोई दिक्कत नहीं है। पर मैं घर ही जा रहा था, मामू को फ़ोन किया, मामू कह रहे चल आ जा तू, मैं रेस्ट ही कर रहा था। मैंने कहा नहीं नहीं आप रेस्ट करो क्योंकि उनको सुबह उठना होता है ना मंगला पे, तो मैंने कहा आप रेस्ट करो मैं घर ही जा रहा हूँ। तो रास्ते में मैंने देखा यार जूस वाले भैया, मैंने इधर को गाड़ी निकाल ली। आज सुबह मैं गया था साइकिलिंग पे लेकिन बहुत कम किया, कल देखता हूँ कल शायद लंबा रूट निकलेगा, पता तो लग गया कि हाँ चल जाएगी साइकिल, तो इसलिए लंबा रूट निकालूंगा कल। अभी जूस पीता हूँ उसके बाद चलते हैं घर। बस आज मैं कीर्तन में बैठा ही था, प्रणाम किया, दर्शन किए और वापस बैक हो गया जल्दी से। और कल शादी पे जाना है भाई, कल भी चलते हैं, कल ब्लॉग बनेगा पूरा। चलो भाई पहले जूस पीते हैं फिर निकलते हैं। स्टोर डाल दी ना? बस भाई थैंक यू थैंक यू थैंक यू। कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे हो भैया आज? तो यार आप जल्दी, मौसम ठंडा है ना आज, मैंने देखा भी तो नहीं किया आपने। अरे फोन नहीं, बस देखता हूँ यहाँ से निकलता हूँ, देखता हूँ लाइट जल रही है, मैं अंदर को आ जाता हूँ इसलिए आजकल तो मैं साइकिल पे आ रहा हूँ, आज लेट हो गया कहीं गया हुआ था। अच्छा, इसलिए आ गया। मैं फोन ही नहीं किया हूँ बीच में। अच्छा नहीं तो मैं फोन करके आता हूँ, बट चलो कोई बात नहीं, कल से तो मैं जल्दी आ जाया करूंगा। फोन मान दिया करो, कोई लेट हो जाए। ठीक है भैया को ऐसे है ना, मैं भैया को फोन कर देता हूँ आने से पहले। भैया कह रहे आज आपने फोन भी नहीं किया, मैंने इसलिए बढ़ा दी फटाफट दुकान। मैं कोई बात नहीं आगे से कर दिया करूंगा, अगर मैं कभी लेट होता हूँ ना भैया को फोन कर देता हूँ कि भैया आ रहा हूँ, भी बढ़ाना मत दुकान को। तो चलो भाई निकलते हैं अब, जूस वगैरह पी के अब भाई निकल रहा हूँ मैं घर के लिए। आज तो सारी दुकानें बंद करवा के घर घुस रहा हूँ मैं। भाई बंद से मुझे याद आया कि मैं डेली की डेली व्लॉगिंग कर रहा हूँ, कुछ ऐसा तो नहीं रहा कि कोई मेरी कोर ऑडियंस बन चुकी है। फिर मेरा दिल करता है कि क्यों डेली व्लॉगिंग करता हूँ, एक दिन छोड़ के एक दिन कर लेता हूँ। फिर मैंने कहा कोई बात नहीं यार, धीरे 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 कभी ना कभी कुछ ना कुछ तो होगा। आप लोग यार सपोर्ट दिखाते रहा करो ना बीच बीच में, वरना ना बंदा डीमोटिवेट हो जाता है। वैसे मैं इतनी जल्दी होता नहीं हूँ, खुद को ही मोटिवेट रखता हूँ मैं बहुत ज़्यादा, लेकिन आज थोड़ा सा हो गया था ऐसे कि डेली की डेली व्लॉग करता हूँ मैं, अभी इतना कुछ होता नहीं है, पता भी नहीं लगता शायद आप लोगों को, देखते हो पता नहीं आप तक नोटिफिकेशन पहुंच भी रही है नहीं पहुंच रही है, सच में नहीं समझ आता यार मुझे।
चलो बनाते रहा करो यार, थोड़ा ध्यान देते रहा करो मेरी तरफ भी। ओए राम प्यारे भी अपनी यहाँ पे खड़ी है, फिर मिलते हैं तुझसे भाई। आके चेंज कर लिया था मैंने, अभी ऊपर ही आऊँ, गाने सुन रहा हूँ, पंजाबी गाने लगे हुए थे वही सुन रहा हूँ, बस एडिटिंग के लिए बैठता हूँ, है ना, बस रख दो। लबात नी नवेड़दा मेसे भेड़ा सिंगर ना शायद ही कोई होगा पूरी दुनिया में, मैं बहुत गंदा गाता हूँ यार आपने देख ही लिया होगा। तो चलो आगे चेंज वगैरह कर लिया था थोड़ा यार, मोटिवेशन के लिए सब्सक्राइब कर दिया करो, आगे वीडियो को आगे तक शेयर करवाओ, मेरी तो रीच भी नहीं जा रही है लेकिन मैं भी लगा हुआ हूँ। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, ये व्लॉग यहीं पे समाप्त करता हूँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज़ करते रहना, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, हरे कृष्णा।